पहाड़ों में हस्तशिल्प कला एक सदियों से यहाँ पे चली आ रही है। हस्तशिल्प कला यहाँ पे देखा जाए तो कई सालों से यहाँ पे लोगों यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का एक रोजगार का साधन रहा है। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जो अपनी हस्तशिल्प कला के लिए यहाँ पे जाने जाते हैं, जिन्होंने अलग अलग तरीके के उत्पाद बांस से यहाँ पे बनाते हैं और इसको बाजार में उतारते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के बुजुर्ग सर, क्या नाम है आपका? हरी हरीश राम। हरीश राम जी, हरीश राम जी से जानते हैं ये कब से ये बनाते हुए आ रहे हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे बनाते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। सर ये जो एक हस्तशिल्प कला है सर, ये कब से आप बनाते आ रहे हैं? ये सर पहले से ही पुश्तों से ही बनाते हैं। डलिया और फूफा ये जो छोटे बर्तन हैं ये हम अभी बना रहे हैं, जब से गवर्नमेंट ने एक वो ट्रेनिंग दी हमको, फिर बनाना शुरू किया हमने ये छोटे बर्तन भी। हॉट केस हो गए, लाइट लैंप हो गया, फ्लावर पॉट हो गया, टिन स्टैंड हो गया और कई टोकरियाँ हैं, ये सब से बनाने शुरू की। सर जैसे आप ये बनाते हुए आ रहे हैं, इसका सर जो आप अभी यहाँ पे दुकान भी कर रहे हैं, इसका कुछ है, मार्केट में सर अच्छा प्राइस आपको मिलता है? चल रहा है, ये तो टूरिस्ट लोग ले जाते हैं, ये आपका एक रोजगार चल रहा है, रोजगार। हाँ सर, जैसे कि अब ये चीज़ें बहुत ही एक इसके लिए बहुत एक कला चाहिए होती है, आने वाली पीढ़ी इस कला से थोड़ी दूर है, इसमें क्या कहेंगे सर? चलने को तो आप आजकल कोई करने के लिए काम को तो सरकार की तरफ से आप लोग को बढ़ावा देने के लिए ये तो कुछ मदद तो ये तो दी, और थोड़ा सा जिस टाइम हमने 3 महीने तो ट्रेनिंग किया, 300 रुपये रोज के हिसाब से दिया उन्होंने। अच्छा, तो सरकार की तरफ से ये हस्तशिल्प जो कला है वो उसको बढ़ावा देने के लिए मदद मिल रही है। और आप ऐसे ही आप लोग आपके गांवों से कितने लोग जुड़े हुए हैं सर? जो ऐसे 40 मास का गांव वहाँ सभी करते हैं, सभी ने टैलेंट किया है। थोड़ा सा अपने गांव के बारे में बताइए सर। यहाँ पे एक तो मैं जैसे मैं देखता हूँ कि पहाड़ों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो सर क्या वो दिक्कतें यहाँ पे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी दिक्कत ही है यहाँ पर, पहाड़ एक तो स्कूल दूर है, दूसरी पानी की भी समस्या है। अभी तो सर योजना आ ही रही है, अभी तैयार तो घर घर भी नहीं है, इसका सर भविष्य कैसा देखते हैं सर हस्तशिल्प कला का आगे को? देखो कर रहे हैं बच्चे, तैयारी कर ही रहे हैं, सिखाएंगे तो करेंगे, तरक्की करेंगे। गाँव में रोजगार का अन्य कोई साधन? वो तो साधन वैसे ही है ना, और साधन क्या तो सर मानी वैसे ही है, कोई पे खेती पाती है सर? खेती यहाँ पे होती है? होती है, करने से तो होती है। अच्छा, तो देखा जाए तो एक तरीके से ये आपके हस्तशिल्प कला जो आप पुरखों के जमाने से ही करते आ रहे हैं, तो सर पहले के जमाने में और अभी के जमाने में कितना फर्क देख रहे हैं सर? ना फर्क तो है, अब पहले तो मैं अभी उतना पैसा नहीं मिलता था, अब थोड़ा बहुत इसका पैसा मिल जाता है। हस्तशिल्प कला में एक ज्यादा वो मिल रही है। तो धन्यवाद, ये थे हमारे साथ हरीश राम जी, जो सदियों से यहाँ पे इनके पुरखे भी जो एक रीत चली आ रही है हस्तशिल्प कला की वो करते आए थे। अब लेकिन धीरे धीरे जो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न जमाना बदल रहा है और इन्होंने इस चीज को अपना एक रोजगार के मुख्य साधन के रूप में अपनाया है, और ऐसे ही यहाँ पे जो और भी गांव के लोग हैं वो यहाँ पे इस हस्तशिल्प कला से जुड़े हैं, और ये हस्तशिल्प कला भी इनके सरकार इनको बढ़ावा दे रही है, इनके साथ जो नई पीढ़ी है वो भी इसको आगे बढ़ा पाएंगी ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आने वाले टाइम पे जो ये गांव है, ये पलायन जो गांव में होता है, ये सब चीज़ों का रोकने का ये एक अच्छा साधन बन सकता है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।